आगरा किले के दीवाने आम में एक बार फिर छत्रपति शिवराय की वीर गाथा गूंजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस समारोह में 2 करोड़ शिव भक्त फिजिकल और डिजिटल मीडिया के जरिए हिस्सा बने। महाराष्ट्र सरकार इस आयोजन की सह आयोजक बनी। आगरा किले में सोमवार की रात छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा सुनाई गई। शिवाजी की 394वीं जयंती पर आयोजित इस समारोह में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। किले में खासी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया और दावा किया गया कि 2 करोड़ लोग डिजिटल मीडिया के जरिए हिस्सा बने। महाराष्ट्र सरकार इस आयोजन की सह आयोजक थी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं शिवाजी महाराज के एक सिपाही के रूप में आया हूँ। हर बार शिवाजी महाराज की जयंती यही मनाएंगे। शिवाजी महाराज सबसे अलग हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना के बारे में सोचा और कुतुबशाही मुगल शाही सबसे लड़े। इसके लिए से ही शिवाजी ने औरंगजेब को चकमा देकर स्वराज की स्थापना की थी। ये किला ऐतिहासिक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने औरंगजेब को ललकारा था, वही पर ये शिव जयंती होना ये हमारे सभी लोगों के लिए गौरव की बात है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमें ये शिव जयंती मनाने का अवसर दिया है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ और हमारे सांस्कृतिक विभाग के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और जिन्होंने आयोजन किया है, ये विनोद पाटिल और उनके सभी सहयोगी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगरा में शिव जयंती हो रही है, ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। केंद्र की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे भारत वर्ष के आराध्य है और हमें तेज और ओज उन्हीं से मिलता है और स्वतंत्रता की जो सांस हम लोग ले रहे हैं इसका बीजारोपण भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक स्थली पर हमारे विनोद पाटिल जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगरा के इस लाल किले पर संगीत 16, शिव जन्म पालन, लेजर शो के माध्यम से आगरा की मुक्ति का इतिहास, पारंपरिक कला प्रदर्शनी, शिव जयंती समारोह और अन्य भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। अजिंक्य देवगिरी फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल ने बताया कि शुरुआत में पुरातत्व विभाग ने समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चूंकि राज्य सरकार सह आयोजक है, इसलिए हमें आगरा किले में शिव जयंती मनाने की अदालत से अनुमति मिल गई। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में आगरा के लाल किले का विशेष महत्व है। औरंगजेब जैसे विश्वासघाती और षड्यंत्रकारी सम्राट ने छत्रपतियों को इसी किले में कैद करने की साजिश रची थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैद में बंद महाराजाओं पर नजर रखते हुए सुरक्षित महाराष्ट्र आने का महान कार्य किया था। हम आगरा के इस गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर से जागृत करना चाहते हैं। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।